गुड मॉर्निंग बेटा, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस ऑफ एनटीएससी। फर्स्ट है, इन ए गिवन फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3। उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स वाई ऐड कर लेते हैं बेटा, कंडीशन अप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर को उसने मल्टीप्लाई करवा दिया 3 से, एंड डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्टेड बाय 3, डिनोमिनेटर में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो फ्रैक्शन बन जाती है 18 बाई 11। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 33x और ये हो जाएगा 18y माइनस 54, दैट इज 33x माइनस 18y इज इक्वल टू 54। ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन आपकी। सेकंड केस में लिखता है, एंड इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, अगर न्यूमरेटर में 8 इंक्रीज्ड कर देते हैं हम, एंड डेनोमिनेटर डबल्ड, डेनोमिनेटर को डबल कर देते हैं, देन फ्रैक्शन बिकम्स 2/5, फ्रैक्शन हो जाती है बेटा 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, 5x प्लस 40 और राइट साइड में हो जाएगा 4y, दैट इज 5x माइनस 4y और राइट साइड में माइनस 40। नाउ यू कैन डू इजीली बेटा, ये दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। और लास्ट में जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान से देखो आप, फाइंड द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि रिक्वायरमेंट है एक्स प्लस वाई, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो आएंगे उन दोनों को ऐड करेंगे तो ही आंसर आएगा। नेक्स्ट है बेटा, आफ्टर 5 ईयर्स ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। ए और बी की एज लेट कर लेता हूं बेटा मैं, प्रेजेंट एज एक्स एंड वाई, तो लिखा हुआ है कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ये 5 ईयर्स ऐड हो जाएगा इसमें, और इसकी एज में भी 5 ईयर्स ऐड हो जाएगा, तो दोनों को मैंने इक्वल रख दिया, जबकि इसने बोला कि ए जो है वो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो जो 2 गुना करें उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। लेफ्ट में लेकर आते हैं बेटा इसको, एक्स माइनस 2y, ये हो जाएगा 10 माइनस 5, यानी कि 5, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई बेटा। नेक्स्ट कंडीशन में लिखता है, प्रेजेंट ऑफ बी इज 5 टाइम्स ओल्डर देन सी, इन प्रेजेंट बी इज 5 टाइम्स ओल्डर देन सी, यानी कि एक थर्ड पर्सन और आ गया इसमें सी, तो इन दोनों की आपस में रिलेशन क्या है कि ये जो है सी की एज का 5 गुना है इसकी एज, तो इसकी एज हमने लेट की थी वाई, तो इसकी 5 गुना कम हो जाएगी बेटा, इसकी हो जाएगी वाई बाई 5, यानी कि सी की एज निकाल ली हमने बी के रिलेशन से, बी के एज वाई है और इसकी 5 गुना कम हो जाएगी वाई बाई 5। अब वो सी के बारे में बात लिखता है कि सी जो है वो 3 साल पहले वुज एज बिफोर 3 ईयर्स वाज 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल पहले वो 3 ही साल का था, तो 3 साल पहले ये एज हो जाएगी और ये 3 के और रख दी, वाई की वैल्यू आ जाएगी बेटा 30 और वाई की वैल्यू 30 यहाँ पर रखेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 65 ईयर्स, तो एक्स की जो एज थी वो थी 65 ईयर्स। नेक्स्ट है बेटा 13 क्वेश्चंस, व्हाट टाइप ऑफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी कि रिक्वायरमेंट है कि ये जो सिस्टम आपको दे रखा है इसका जो ग्राफ ड्रा करेंगे हम वो किस तरह का होगा, तो कंडीशन आप जानते हो बेटा, a1/a2 चेक करते हैं हम जो कि 1 हो गया, और b1/b2 चेक करते हैं जो कि -1 हो गया। वी नो दैट a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ग्राफ में क्या हो जाएगा बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी, एक दूसरी को एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए बोट मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी कि डाउन स्ट्रीम में अगर वो नाव को चलाता है तो 2 घंटे में 30 किलोमीटर जा सकता है, तो बेटा नाव की जो स्पीड है उसको लेट कर लेता हूँ मैं एक्स किलोमीटर पर आवर, और जो पानी की जो स्पीड है उसको लेट कर लेता हूँ वाई किलोमीटर पर आवर। अब अगर पानी ऐसे जाता है इस साइड और नाव भी साइड जाती है तो उन दोनों की ऐड हो जाएगी स्पीड, और स्पीड लोअर पार्ट में रखेंगे अपर पार्ट में रखेंगे डिस्टेंस, तो आ जाएगा टाइम जो कि दे रखे 2 आवर्स, कैंसिल हो जाएगा 15, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी बेटा 15। नेक्स्ट कंडीशन में ये कहता है कि अपस्ट्रीम होगी अगर, यानी कि अपस्ट्रीम पानी ऐसे जाता है और नाव इसके अपोजिट जाती है, तो स्पीड कम हो जाएगी बेटा, जितनी पानी की स्पीड कम हो जाएगी नाव की स्पीड में से,
तो ये स्पीड बच जाएगी उस नाव की, और डिस्टेंस उसने दे रखी है 4 किलोमीटर। 5 स्पीड ऑफ द वाटर करंट आर द प्रेजेंट रिस्पेक्टली, यानी कि 2 आवर्स 6 किलोमीटर दे रखे बेटा स्ट्रीम में, डिस्टेंस दे रखी 6 किलोमीटर और स्पीड ये हो गई, और राइट में टाइम 2 आवर्स ही दे रखा है। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 9 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड हो जाएगी और 6 किलोमीटर पर आवर स्टीम की स्पीड हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा 15 क्वेश्चन। इफ एक्स बाई 3 प्लस 7 इक्वल टू 15 माइनस एक्स बाई 5, वेरी इजी क्वेश्चन है बेटा, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने, एक्स को इधर लेंगे कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 + 1/5, एक्स कॉमन आ जाएगा इसमें से, राइट में आ जाएगा 15 - 7 दैट इज 8, तो ये हो जाएगा बेटा 5 + 3 यानी कि 8/15 और राइट में क्या है 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, थ्री रेस टू द 2x - y इज इक्वल टू 3 रेस टू द x + y इज इक्वल टू √27 यानी कि 3 रेस टू द 3/2, इसको लिख सकते हैं 3 रेस टू द 3 क्योंकि 27 हो जाएगा बेटा 3 की पावर 3 और रूट लगा हुआ है ही, तो 3 रेस टू द 3/2 हो गया, 3 बेस क्यों बना इसको देखते हुए। अब ये दोनों अगर इक्वल है बेटा तो बेस इक्वल हो गए तो पावर क्या हो जाएगी सेम, 2x - y हो जाएगा 3/2 के इक्वल। ठीक ऐसे ये दोनों सेम इक्वल हैं तो बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगा 3/2 के इक्वल। ऐड करते बेटा ये कैंसिल हो गया, 3x की वैल्यू आ जाएगी 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 1, x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/2 - 1 यानी कि 1/2। तो रिक्वायरमेंट एक्स वाई की नहीं बेटा, रिक्वायरमेंट है 3 रेस टू द x - y यानी कि 3 रेस टू द 1 - 1/2 यानी कि 3 रेस टू द 1/2 दैट इज √3। ओके बेटा।